से, और हमने ट्रेन ले लिया है दिल्ली कलका एक्सप्रेस। हाँ, तो यहाँ पे एसी चेयर कार वाला कमरा लिया हमने, और अभी 4 घंटे लगेंगे कलका पहुँचने में। और वहाँ से भी ट्रेन होता है, टॉय ट्रेन होता है, बट वो मिला नहीं, वेटिंग लिस्ट हो गया था, तो वहाँ से कैब से जाएंगे हम लोग। और ये ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत फॉरेनर्स है यहाँ पे। टिकट प्राइसेस थोड़े महंगे हैं, बट जैसे कि आप देख सकते हो बैग काफ़ी क्लीन है, और लगेज रखने का बहुत स्पेस है यहाँ, एंड फूड भी इंक्लूडेड है इसमें, और ये पानी का बॉटल भी दिया है। अभी बस ये निकला है स्टेशन से, 7:40 AM इसका टाइमिंग है, और पहुँचा देता है 11:40। खाना मिला है ट्रेन में, यहाँ पे क्या है, ब्राउन ब्रेड है, और ये वेज है, ये कोई कटलेट वेज है, और इससे पहले चाय भी दिए थे ये लोग, और ये फ्रूट भी है, और बटर वगैरह दिया हुआ है। अभी नॉन वेज भी मिलेगा हम दोनों का, नॉन वेज मेरे और पापा का। पहुँच गए, ट्रेन है 5-10 मिनट लेट हो गया, बट ठीक है, अभी हमारा कैब बाहर ही खड़ा है, और आधा ट्रेन तो चंडीगढ़ में ही खाली हो गया था, और हमारे अलावा सिर्फ फॉरेनर्स बचे थे हमारे हमारे कोच में, पता नहीं क्यों इतने फॉरेनर्स आए हुए हैं। वाला हम लेने वाले थे, बट वेटिंग लिस्ट हो गया था, बट आते वक्त शायद हम ये ट्रेन ले रहे हैं। ये वाला है टॉय ट्रेन, हिमालयन क्वीन नाम है इसका। चेक इन किया, वो ड्राइवर तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन तक छोड़ भी नहीं रहा था, और उसने बहुत पैसे भी लिए, तो हम ऐसे 100 मीटर चल चल के आए, अपहिल था वो, बट अभी आपको और एक रूम टूर दे देती हूँ। यस, सो गाइस, ये रूम मिला है 105, और यहाँ ये है बेड, और ये वॉशरूम, यहाँ पे गीज़र भी है विच इज़ नेसेसरी, और वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, एंड यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ है।
खुल नहीं रहा है मेरे से। हाँ कपट दिया हुआ है और शायद अभी लाइन चला गया। और हाँ रूम तो काफ़ी अच्छा है, टीवी भी है बड़ा सा और वाईफाई भी है यहाँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस व्यू। तो ये अटैच बालकनी है और यहाँ से ऐसा व्यू है। ये गूगल रिव्यूज पे भी देखा था मैंने। वाओ पूरा वैली का व्यू है। तो मम्मी कैसा लगा? बहुत। हाँ रूम तो काफी सही है गाइस। हाँ ये वुडन है और बहुत ठंड है यहाँ तो। और यहाँ पे ये सब सामान भी डाला हुआ है। इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कटल है गर्म पानी पीने के लिए। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मैंने बुकिंग किया है मेक माई ट्रिप से और होटल का नाम है स्लीपिंग बुद्धा B&B। बेस्ट तो यही है। हाँ गाइस तो फाइनली हम निकले। अभी 5 बजने वाला है, 5 बज गया शायद। और ये मम्मी भी आ रही है। मतलब लोकेशन ख़राब नहीं है, पता नहीं वो टैक्सी ड्राइवर जा नहीं रहा था। यहाँ तो सब लोग आए हुए हैं, सब आ रहे हैं और व्यू वैली व्यू है पूरा पीछे। और मॉल रोड थोड़ा सा ही आके बस बोल रहे हैं, दुकानदार ने बोला 2 मिनट वॉकिंग है यहाँ। ये देखिए गाइस जाते जाते व्यू दिखा, जूम करती हूँ आपको थोड़ा सा। देख रहे हैं वहाँ पूरा बर्फ है, वो पूरे रेंज के ऊपर। ये लो जी आ गए हम लोग मॉल रोड के पास। वापस इधर से लेफ्ट लेना है, पहुँच जाएंगे हम। यहाँ पे कुछ कैफे है, व्यू के साथ लोग मज़ा ले रहे हैं। बस लेफ्ट लिया हमने और एक क्राइस्ट चर्च के पास पहुँच गए। और ये यहाँ से एक और लेफ्ट लिया तो आ गए हम क्राइस्ट चर्च। ये यहाँ का एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। और यहाँ के कॉलोनियल आर्किटेक्चर का भी एग्जाम्पल है ये बहुत। वैसे तो आज हम जाखू मंदिर जाने वाले थे केबल कार से, पर इतना टाइम नहीं था, हम पहुँचे ही 4 बजे और रोप वे खुला रहता है कुछ 5:30 बजे तक, तो इसलिए आज स्किप कर दिया। अभी हम लोग हैं और 2 दिन यहाँ पे, तो हाँ मतलब उनमें से एक दिन में कर लेंगे वो चीज़। अभी हम लोग बस अभी तक लंच नहीं किया है तो मॉल रोड आ गए, यहाँ पर कुछ खाएँगे पहले। तो बहुत मस्त धूप आ रहा है, ऐसे तो बहुत ठंडा है पर धूप में अच्छा लग रहा है। हांडवा Thank you.
मार्केट की तरफ। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स हैं और यहाँ पे हम लोग कभी कुछ खा ले रहे हैं। प्रॉपर लंच करने का अभी टाइम नहीं है, 6 बजने वाला है, तो यही से कुछ कुछ खा लेंगे, मोमोज वगैरह। मम्मी पापा बैठे हुए थे। ये हम लक्कर बाजार से और आगे आ गए रिज की तरफ। सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है। ये भी बैठा हुआ है, बहुत बंदर है। शौक में भगवान से जाऊँ मैंने कहा कहीं सभी। ये लक्कर बाजार में ही आ गया है और यहाँ पे बहुत सारा दुकान तो है। यहाँ पे मेडिसिन का भी फार्मेसी वगैरह है और सस्ते का जैसे खाने के शॉप्स वगैरह सब यहाँ पे है और बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स हैं। मेरे को तो सब खरीदने का मन कर रहा है। फिलहाल तो मैंने एक मैग्नेट लिया है, बट कुछ कुछ और लूँगी होपफुली। अभी तो 2-3 दिन रुके हैं ना, तो ले लूँगी मार्केट से कुछ। मम्मी भी अभी शॉपिंग कर रही है फिर से। यहाँ पे देखिए कितना कुछ मिल रहा है, सब लकड़ी का सामान बना हुआ है। मम्मी कुछ देख रही है अंदर। यहाँ पे ये बैग्स बने हुए हैं, ये बोहो टाइप के बैग्स बने हुए हैं। ये ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई है अभी और फोटो वोटो खींच रहे लोग यहाँ। आई एम स्टिल नॉट ओवर द सनसेट। यहाँ पे ये सब बिल्डिंग्स का लाइट अभी ऑन हो गया है तो बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा है। आगे जाके दिखाऊंगी आपको। अभी तो चाय पीने का मन कर रहा तो वही ढूंढ रही कहाँ मिलेगा यहाँ पे चाय। भीड़ है बहुत। कैसे चाय पी लिया था यहीं पे शॉप था मॉल रोड पे वहाँ से। और अभी मेरे को खाना है सिद्धू जो कि हिमाचल का सबसे पॉपुलर डिश है, लोकल डिश है यहाँ का। और मोमो जैसा ही होता है, बहुत बड़ा सा होता है और अंदर में दाल का स्टफिंग रहता है,
उसमें घी डाल के देते हैं मस्त, तो 100 रुपये का मिल रहा है यहाँ पे। मैं बता रही यहाँ पे HPDTSA का इनका रेस्टोरेंट है इसीलिए। चीज है जी ये है शिमला का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देख रहे हो कितना सुंदर है, पूरा कॉलोनियल आर्किटेक्चर। और ये पुलिस असिस्टेंस रूम, यहाँ से स्टेयर से आप ऊपर जा सकते हो मॉल रोड। वो जो कलरफुल कलरफुल घर दिखते हैं सुबह में, वही रात में ऐसे लग रहे। और यहाँ पे नीचे मार्केट है, नीचे नीचे बहुत नीचे जा सकते हो आप, एकदम ओल्ड बस स्टैंड तक पहुँच जाओगे, वो मेन रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ चल रही। तो गाइस ऑलमोस्ट 9 बजने वाले, अभी मॉल रोड पूरा घूम लिए हम लोग, मतलब ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया, और अभी खाना पार्सल करा ले। होटल में भी खाना है बट थोड़ा सा महंगा है, और हाँ यहीं से पार्सल करा ले। तो बस अब जाके रेस्ट करेंगे, बहुत बहुत घूम लिया, बहुत चल लिया, मतलब छोटी भी हो गया आज। और हाँ फिर कल निकलेंगे, फिर कैब किया है, मतलब बुक तो किया है मैंने, और हम लोग जाएंगे कुफरी की तरफ कल। तो कल मिलते हैं, सी यू, बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।